आप बोले था सबके साथ सबके विकास, आप किसके साथ है? यहाँ विदर्भ के लोग आए हुए हैं, जिस विदर्भ में 40,000 से ज्यादा लोग ज्यादा जो फार्मर्स है जो कृषकों के आत्मा हत्या कर चुके हैं, आपके लिए और क्या चाहिए? विदर्भ बनाने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा सेक्रीफाइस क्या चाहिए? आप प्रधानमंत्री है, इसीलिए आपका एक एक देशवासियों का जिंदा जी जिंदा जिंदगी मायने रखता है। एक एक का जी जो जान है वो आपके लिए मायने रखते हैं, लेकिन 40,000 का जान जाना ये बहुत छोटा बात नहीं है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये जो महाराष्ट्र है वो विदर्भ को जस्टिस नहीं दे पाया। बोडोलैंड के लिए जो लड़ रहे है, आपने आसाम स्टेट को तो देखा लेकिन आसाम के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखा, और आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप इसराइल पैलेस्टाइन में जाके बोलते हैं, वहां सुबरीन होना चाहते हैं, और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र ये इंडिया में छोटे छोटे जाति को समुदाय को आप गला दबा रहे हैं, ये आपका अभी आपका प्रिंसिपल है। तो इसीलिए हमें ये आपसे सुनते हैं, ये आपके चेतावनी है, आने वाले समय में देश का संविधान सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ये इक्वली इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप सोते राज्यों नहीं बन सकते तो आप हटा दीजिए आर्टिकल 2 और 3, ये आर्टिकल आगे क्यों रखा अम्बेडकर ने? संविधान बनाने वाले ने आर्टिकल 2 और 3 में नया राज्य बनाने का ये कानून क्यों रखा? ये संविधान में व्यवस्था क्यों रखा? क्यों पीछे नहीं रखा? अभी आप लोग सोचिए, पीछे इसलिए नहीं रखा क्योंकि नए राज्यों का मांग इंडिया में आता रहेगा, आने वाले 100 ईयर्स में आते रहेंगे, और आपको सोते राज्य बनाना है, आपको ये काम नहीं करना है। इधर से आवास आ रहा है, उधर से आवास आ रहा है, इसको दबाना है, ये काम आपका नहीं है। आवास को सुन के काम करना आपका ड्यूटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आपने देख लिया चुनाव में क्या हुआ, आईपीएफटी ने इलेक्शन जीत लिया, राज्य मांगते हुए ट्रिपलैंड मांगते हुए आईपीएफटी ने अपना दिखा दिया, अपने जाति को अपना लोगों को कितना प्यार करते हैं। मैं 1 साल पहले ट्रिपलैंड में गया था, वो लोग अपना आईपीएफटी का एक फाउंडेशन डे मनाया था, उसी दिन मैंने बोल के आया था कि आप लोग का समय आ गया है दिखाने का आपका लोगों को कितना प्यार करते हैं। अभी हमारे ये सूचना है, हमारे लिए ये चुनौती है, मैसेज है कि अभी विदर्भ में आएगा, आगे चुनाव में दिखाना है सचमुच आप विदर्भ के लोगों को कितना प्यार करते हैं। अगर आप लोगों को प्यार करते हैं तो एक कट्ठा होके विदर्भ प्रेजेंट से 11 जिला से जितना भी एमपी आता है, ये एमपी बीजेपी का हारा के आपका एमपी जितना है बीरा के, बोडोलैंड से ये होना पड़ेगा। बोडोलैंड के लोगों को सचमुच बोडोलैंड को प्यार करते हैं, बोडो लोगों को प्यार करते हैं। हमने आसाम में अभी बीजेपी का 7 एमपी है, 7 एमपी है, ये 7 एमपी हमारे हेल्प से हमारे मदद से आए हैं, और वो 7 एमपी हमें इससे काटना होगा, इस आकरा से काटना होगा। तो ये हमारा बात है। तो अभी आप लोग सब लोग ये जानते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला था उस टाइम, मोदी जब इलेक्शन लड़े थे उस टाइम क्या आवाज आया था, आपके बार मोदी सरकार, लेकिन आप अभी ये आने वाला नहीं है, अभी आएगा आपके बार नया राज्य बनाने वाले की सरकार, ये हमें सब सूचना ये मैसेज लेना है। आपके बार मोदी सरकार नहीं आएगा, अभी ये नारा नहीं लगेगा, अभी नारा लगेगा आपके बार नया राज्य बनाने वाले सरकार। तो इसीलिए भाइयों बहनों दोस्तों, काफी साल हो चुके हैं हमने ये जंग लड़े, ये लड़ाई किसके खिलाफ है? ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हक के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई प्यार का लड़ाई है, ये लड़ाई शांति का लड़ाई है, ये लड़ाई उन्नति का लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान के हाथ मिलने का लड़ाई है। लेकिन बहुत शर्म का बात है, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में हमें हाथ का बात बोलना पड़ा, जहां संविधान में आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, लेकिन वहां जहां बैठा हुआ है पार्लियामेंट में वो लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपना भाषा को ही संविधान समझ लेते हैं, जो सबसे बड़ा गलती इंडिया में हो रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोग एक मोटो को लेकर आगे बढ़ना होगा, जो अभी नारा लगाया है, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, हम एक साथ हम लोग काम करेंगे, वी विल फाइट टुगेदर, वी विल वर्क टुगेदर एंड वी विल विन टुगेदर, हमें जीतना है।
हमारे लोगों को शास्ति देना है। विदर्भ के 46,000 फार्मर को जो कृषक को शास्ति देना है, बोडोलैंड के 5,000 मार्चियर को शास्ति देना है, ट्रिपलैंड के मार्चियर को शास्ति देना है, कार्बी स्टेट का मार्चियर को शास्ति देना है, जितना भी शहीद है इनका शास्ति देना है। इसलिए एनएफएन की तरफ से अभी हम अकेले नहीं है, पहले हम बोडोलैंड अकेले लड़े थे, विदर्भ अकेले लड़े थे, ट्रिपलैंड अकेले लड़े थे, सब अकेले अकेले लड़े थे। अभी हम लोग इकट्ठा हो गया और एक कथा में हमने पढ़ा था एकता में बल है। अभी हमारा बल और भी ज्यादा हो गया, पहले भी बल था हमारा। ये देश ऐसा नहीं है कि करोड़ों को देखना है, 10 लोगों को नहीं देखना है, हर एक को देखना है। ये गलती सरकार कर रहा है। त्रिपुरा में कितना पॉपुलेशन है वो मायने नहीं रखता, लेकिन त्रिपुरा में जो रहता है वो इंडियन है, उनका भाषा इंडियन है, इंडिया के इंडिजिनस पीपल है, उनको देखना भारत सरकार के दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसलिए ये शास्ति देना ही पड़ेगा। जैसे गांधी जी लड़े थे उसी टाइम में भी कुछ लोग बोले थे इंडिया आजादी नहीं।